इस बाबा लक्ष्मण की जमीन पर भारत के कोने कोने से आए सभी बंजारा समाज का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कम शब्द का इस्तेमाल करते हुए कुछ बातों की बात विराम दूंगा। मैं उन विषय पर बात करूंगा कि बंजारा समाज की जागृति की बात। आज पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा सैलाब बंजारा समाज में देखने को मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में लगातार 5 बार महापुरुषों को याद करके हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी जाति और हमारी भारत में फैली विरासत को जिस प्रकार देश विदेश में खिलाने का जो काम हो रहा है, मैं सभी समाज के लोगों का एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं और विशेष आभार व्यक्त करता हूं हमारे उमेश यादव जी का, जिन्होंने भारत के बंजारों का प्रतिनिधि बनकर भारत के बंजारों को एक करने का काम किया। मैं शुक्रगुजार हूं हमारे शंकर पवार जी का, जो भारत में बंजारों को एक करने का काम कर रहे हैं। राजनीतिक और सामाजिक का ये मंच महापुरुषों को याद करते हुए जिस प्रकार आज आपने देखा, बड़ी बड़ी हस्तियां लोकसभा स्पीकर आपके यहां तक आए कि बंजारों के घरों के अंदर आ चुके हैं, तो राजनीति आपकी चल चुकी है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप समाज के प्रतिनिधि का दामन थाम के रखिए, इनको कभी अकेला ना छोड़िए, क्योंकि ये वो काम कर रहे हैं जो शायद आप और हम नहीं कर पाते। उत्तर भारत की मैं बात करता हूं, उत्तर भारत में बंजारा समाज सबसे कमजोर दिखाई देता है। अक्सर मैं सोचा करता था कि मेरा बंजारा समाज, ऐसा कौन सा व्यक्ति आएगा, ऐसा कौन सा मसीह आएगा, भगवान किसको मेरे पास भेजेंगे, मेरे समाज के पास भेजेंगे, जो प्रतिनिधि बनकर मेरे समाज को मार्गदर्शन करेगा। आज वो मोड़ आ चुका है। आज राजनीतिक, मैं भाजपा की बात नहीं करूंगा, मैं कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, मैं किसी और पार्टी की बात नहीं करूंगा, लेकिन आज मुझे कहते हुए झिझक नहीं है, आज कोई भी पार्टी हो बंजारा समाज के नाम से जान चुकी है। और ये सब, ये पूरा श्रेय मैं डॉक्टर साहब को देना चाहूंगा। मैं आप सिर्फ इतना निवेदन करता हूं, मैं दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष भी हूं और 18-20 साल से बंजारा समाज की सेवा में हमेशा तत्पर रहा हूं। इंटरनेशनल बंजारा फाउंडेशन भी चलाता हूं, तो मैं चेयरमैन भी हूं और मेरा खुद का न्यायिक न्यायिक चैनल भी है जो बंजारों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता है पिछले 3 साल से। पूरे भारत में कहीं भी आप बंजारा समाज का काम करें, मेरे पास भेजिए, आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, फ्री में मेरा चैनल बंजारा समाज के लिए काम करेगा। अधिक बात करते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, ये जो मोती दो हमारे बीच में है, इनको कभी छोड़ना नहीं, कभी छोड़ना नहीं, क्योंकि इतिहास लिखने के लिए व्यक्ति की जरूरत होती है और इतिहास बनाने के लिए हमें ऐसे महापुरुष की आवश्यकता होती है। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये दामन हमारा साहब के साथ हमेशा बना रहेगा। और मैं भी विश्वास दिलाता हूं कि मेरी पूरी दिल्ली की टीम और दिल्ली का मेरा बंजारा समाज हमेशा तन मन धन के साथ, हमारे दोनों अनमोल रत्नों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा बंजारा समाज। और सुने, आप दिल्ली में आए सभी का दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बंजारा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आर के राठौर जी। बड़ी अच्छी बात कहे कि अनमोल रत्न को कभी भी बचा के रखना चाहिए। हमारे लोग बुजुर्ग एक डायलॉग बोलते थे, रतन को जतन कर वक्त पर खर्च कर, मतलब उन बचाना रखना भी जरूरी था। और साथ ही साथ और एक बुलंद आवाज, तेलंगाना की बुलंद आवाज, उनके बगैर थोड़ा सुना सुना लगता है अगर उन्होंने स्पीच नहीं किया तो। नाम गेस कीजिएगा,